नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज एट फोर में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आधार से जुड़ा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। जी हां, बिना आधार कार्ड के बैंक अकाउंट अब आप नहीं खोल पाएंगे। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा का जो वित्तीय लेन देन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसके लिए भी आधार जरूरी कर दिया गया है। साथ ही सभी खाताधारकों को इस साल 31 दिसंबर तक बैंक के पास आधार नंबर जमा कराने होंगे। यानी आपका अगर किसी भी बैंक में खाता है तो 31 दिसंबर तक आपको अपनी आधार डिटेल्स उस बैंक को देनी होगी, ना नहीं तो ऐसा नहीं करने पर आपका खाता इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन से लिंक करने के सरकार के फैसले पर मुहर लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी थी जिनके पास फिलहाल आधार नंबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा फैसला लिया है यहां पर सरकार ने। मेरे साथ राजेश सिंह जुड़ रहे हैं। राजेश जी, राजेश सिंह हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, ये एक बहुत बड़ा फैसला माने आधार से जुड़ा सरकार का, और ये कहीं ना कहीं ये पैन कंट्री सारे लोगों को प्रभावित करेगा। बिल्कुल, देखिए जो पिछले हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उससे सरकार को ये क्लियरेंस मिल गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप पैन कार्ड को आधार से जोड़ सकते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार मैंडेटरी है। और उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है, और इस फैसले के हिसाब से जैसा कि आपने बताया कि तीन चीज़ें हो गई है कि नए अकाउंट खोलने के लिए आधार नंबर जरूरी है, पुराने जितने भी अकाउंट हैं उनको 31 दिसंबर तक आपको आधार बैंक में मैंडेटरी देना होगा, अदरवाइज आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और 31 दिसंबर से पहले, यानी आज से लेकर अगले दिन तक, अब आप 50,000 से ज़्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं तो आधार नंबर आपको बैंक से लिंक करना ही होगा, उसके अलावा आप कर नहीं सकते हैं। अगर बैंक में 50,000 से ज़्यादा पैसा है तो वो इनवैलिड हो जाएगा 31 दिसंबर। राजेश जी, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है सरकार की? राजेश जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है ये जानना चाहेंगे। सरकार का मकसद यही है मेनली कि जितने भी इलीगल ट्रांजेक्शन होते थे, ब्लैक मनी, इनको नेट में लाना, टैक्स नेट को बढ़ाना। अभी आप देखिए 125 करोड़ के देश में सिर्फ 4 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं। जब जनधन में सब पैसा किया गया, डीमोनेटाइजेशन किया गया, उससे फायदा ये हुआ कि 1 करोड़ नए अकाउंट में पैसे आए तो वो लोग टैक्स नेट में जुड़े। तो सरकार का मेन एम यही है कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए मनी के ट्रांजैक्शंस में और ब्लैक मनी पे रोक लगाया जाए, ये मेन एम है, और उसी को लेकर ये सारा किया जा रहा है ताकि आधार एक ऐसा नंबर है जिससे सारे अकाउंट को और आपके हर ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सकता है। जी, और क्या इसके पीछे वो भी माने राजेश जी कि जिस तरह से जो हमने देखा था डीमोनेटाइजेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे खाते थे जिनकी पहचान की गई थी, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी की आशंका जताई गई थी, जिनसे फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज की भी कई खबरें आई थी, तो क्या सरकार उसको भी टारगेट कर रही जैसा कि आप कह रहे हैं? बिल्कुल, फ्यूचर में ये अब ये नहीं कहा पुराने अकाउंट के लिए सरकार ने 5 लाख अकाउंट्स को टारगेट किया है, आइडेंटिफाई किया गया, उनको नोटिसेज भेजे जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा पैसा है, उनसे रिस्पॉन्सेज मंगाए जा रहे हैं, जवाब मंगाए जा रहे हैं, और कानून के हिसाब से उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। लेकिन फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें ना हो उसके लिए ये अपनाया जा रहा है कि सरकार कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, इसलिए कैशलेस इकोनॉमी भी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी आपके ट्रांजेक्शन में, और फ्यूचर में ब्लैक मनी क्रिएट नहीं होगा। ब्लैक मनी आगे फ्यूचर के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए आधार को लिंक करने से काफी हद तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। शुक्रिया राजेश जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है बैंक खाता खोलने के लिए, और अगर आपका बैंक खाता पहले से है तो 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है जब आप अपने बैंक से अपनी आधार डिटेल्स शेयर करिए, वरना खाता आपका इनवैलिड हो जाएगा। और अगर 50,000 रुपए तक से ज्यादा अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आधार कार्ड का आपको डिटेल उसके साथ लगानी पड़ेगी, ये भी जरूरी कर दिया गया है।